हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों आप विंडो 11 यूज करते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल हो चुका होगा। अगर दोस्तों आपका जो रैम होता है यहाँ पे फुल हो चुका है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक गेम डाउनलोड करते हैं अपना कंप्यूटर पर या फिर एडोबे कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर भी हो गया डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जब कभी भी आप ओपन करते हैं तो लैग होने लगता है, ओपन तक भी नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मेनी प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलता है। सो दोस्तों टुडे हम जानेंगे कि आपका जो यहाँ पे रैम होता है कैसे आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, जो वर्चुअल मेमोरी होता है दोस्तों रैम होता है कैसे अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का आपको रैम को बढ़ाना है, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको और एक बात बता देता हूँ, वीडियो देखने के बाद दोस्तों किसी भी तरह के आपके मन में कन्फ्यूजन है या फिर डाउट है, किसी भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे आपको यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन लिखना है दोस्तों यहाँ पे सर्च बार पर आपको कंट्रोल पैनल, देन ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको यहाँ पे आइकन देखने के लिए मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे व्यू बाय लार्ज आइकन आपको यहाँ पे कर लेना है, कैटेगरी होगा शायद। देन दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देन यू कैन सी अबाउट माई कंप्यूटर इन्फो, मेरे कंप्यूटर पर 8GB रैम इंस्टॉल हुआ है देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देन इसको चलिए मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे लिखना है सेटिंग्स, देन चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिस्टम पर क्लिक करके यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद शो मोर कैटेगराइज पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको सिस्टम एंड रिजर्व पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वर्चुअल जो मेमोरी होता है दोस्तों यहाँ पे 8.01 GB अभी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अबाउट सेक्शन मिलेगा। देन यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे एडवांस पर चले आने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस टैब पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेंज पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली टिक लगा हुआ है दोस्तों इसको ऑन टिक कर देना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे साइज दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे चलिए मैं अभी आपको मुझे कैलकुलेट यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो कैलकुलेट यहाँ पे ले लेता हूँ। 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 32GB यहाँ पे एक्सटेंड करना है तो 32 देके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम साइज पर आपको यहाँ पे एजीटी आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1024 x 24 कर देना है। देन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ऊपर में आपको डाल के यहाँ पे सेट पर क्लिक करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके ओके पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके पर क्लिक करना है। देन ओके पर क्लिक करके यहाँ पे अपना कंप्यूटर को एक बार जरूर से रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फिर से यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। देन स्टोरेज, देन यहाँ पे व्यू मोर कैटेगराइज पर क्लिक करके यहाँ पे सिस्टम रिजर्व पर क्लिक करने के बाद देखने के लिए मिलेगा वर्चुअल मेमोरी मेरा जो 32GB यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। इस तरीके से आप अपना वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं अपना कंप्यूटर का। ऑलराइट गाइस, आपने देख लिया कि विंडो 11 में अपना वर्चुअल मेमोरी को कैसे आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, पूरी वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो को अच्छा लगा है, और भी ऐसे असम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।